अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, बीएच दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानिब से हर रोज़ की तरह आपके लिए आज भी हम देसी नुस्खा लेके हाजिर हैं, जो बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के है, बग़ैर किसी नुकसान के है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं आज या आई हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी का बटन दबा कर लाइक व शेयर ज़रूर करें। दूसरी बात कि वीडियो को पूरा देखा करें। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआएं फ़कीर की आपके लिए, ठीक है? तो खैर हो आपकी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप बी एच दवाखाना यूट्यूब चैनल से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप वीडियो को भी देखते हैं, पूरा देखते भी हैं अक्सर। बहुत सारे लोग अब इंशाल्लाह दुरुस्त हो गए, यानी कि जो नहीं ये स्किप करते थे, काटते थे, वो काफ़ी रुक गए हैं इस बात से। चलें, अल्लाह उनका भला करे, जो अभी नहीं रुके अल्लाह उनको हदायत दे और तफीक दे कि वीडियो को बग़ैर काटे देखा करें, स्किप किए हुए, और सब्सक्राइब किए करें। अच्छा, एक बात और है, अक्सर लोग ना लैग नहीं करते। हमारी कई वीडियो ऐसी हैं जिन पे बहुत सारे लाइक मिले हुए हैं, यानी कि व्यूअर्स मिले हुए हैं, लेकिन लाइक नहीं किया हुआ। अफसोस है ऐसे लोगों पे, ठीक है, अफसोस ही हो सकता है, पर दुआ ज़रूर देते हैं कि अल्लाह उनका भला करे। क्या फ़र्क पड़ता है छोटे से काम पे ऐसे ऐसे करने से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये सोच की बात है इंसान की, ठीक है। मोहब्बतें बांटें अल्लाह के बंदो, मोहब्बतें बांटें, यही काम आएगी आखरत में, ठीक है। दूसरों का भला करना सीखें, इस सोच से चैनल को ओपन करें कि यार इसे करते हैं हो सके इसका भला हो जाएगा। ये ना सोचें कि हमारा कोई मुफाद है ना, मत ये सोचा करें। अगर नीयत जैसी होगी वैसी मुराद मिलेगी, ये बात याद रखना, जैसी आपकी नीयत है वैसी आपको मुराद मिलेगी। नीयत रखेंगे ना कि इस चैनल को ओपन करते हैं यार, इसको सब्सक्राइब करके इसकी घंटी का बटन भी दबाना ज़रूरी है, दबाते हैं, फिर इसको लाइक करके शेयर करते हैं आगे, फिर इसको पूरा मुकम्मल तौर पर देखते हैं यार, ठीक है, ताकि इनका भला हो जाए। बस ये सोच रखेंगे, हो सके नहीं, बिल्कुल गारंटी के साथ ईमान है हमारा, आपके ईमान का आपको पता है, हमारा ईमान है, जो इंसान दूसरों का भला करना भले के लिए चल पड़ता है ना, निकल पड़ता है घर से, सोच लेता है कि मैंने दूसरों के लिए जीना है 100%, अल्लाह तबारक ताला उसकी कोई मुश्किलें नहीं रहने देता ज़िंदगी में, उसके काम खुद ब खुद ही हो जाते हैं, मेरा मालिक खुद कर देता है उसके काम। ऐसे ऐसे काम जो हज़ारों सालों से बिगड़े हुए, वो भी अल्लाह तबारक ताला आसानी फरमा देता है, ठीक है। जब नीयत साफ होगी, बस ये सोचे कि हमने जीना तो दूसरों के लिए, दूसरों का भला करना है, चैनल को ओपन करना है तो सोच के करना है, ये इरादा रख लें कि या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए ये कर रहा हूँ, मुझे अपना कोई मुफाद नहीं, ठीक है, अगर कोई मुझे इसमें हासिल हुआ तेरी रजा के लिए मैं तो करूँगा, शफा भी मुझे तू ही देगा, अगर कोई मुझे अच्छा लगती है चीज़ इसमें नुस्खा, कोई भी अच्छा लगता है मेरे लिए, उसमें भी शफा तो डाल दे, ठीक है, लेकिन मैं तो भले के लिए सिखो रहा, तो इंशाल्लाह बेशक उसमें आपका मुफाद है, लेकिन जब नीयत आप साफ करेंगे, इन चीज़ों को पूरा करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे, उसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर कर देंगे, फिर वीडियो को पूरा देखेंगे खुद भी, हो सके उसमें आपका भी कोई मकसद छुपा हो, जो आप बहुत अरसे से ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए, अगर वो मिल जाएगा तो साथ अल्लाह की रहमत भी मिल जाएगी, ठीक है। हज़ारों सालों से, कई सालों से, कई महीनों से जो बिगड़े हुए काम है आपके सवर जाए, ठीक है, इंशाल्लाह जो अल्लाह की रजा के लिए करता है ना, वो किसी चीज़ का मताज नहीं होता इंशाल्लाह। तो अगर आपने कर लिया हमारा चैनल सब्सक्राइब, घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर कर लिया है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आए फिर आज के नुस्खे की जानब चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे।
आज का नुस्खा हमारा है, मेथी के बीज जो होते हैं ना वो आपने लेने, एक पाव 250 ग्राम, आंख की जड़ का जो छिलका होता है ना खुश्क वो लेना, नहीं तो खुश्क काले, कलवंजी एक पाव लेनी है आपने 250 ग्राम, अजवाइन भी एक पाव लेना। अब इसका मामला आ गया कि इसको क्या कर रहे हैं, आपने मिसले मैदा जो है, मिसले मैदा पाउडर की तरह यानी कि मैदे की तरह हो जाए, ठीक है, इसको आपने इतना बारीक करना है, तो हाफ टी स्पून जो है यानी आधी चम्मच जो है वो आप लेंगे सुबह दोपहर शाम, अगर कोई मजबूरी भी है ड्यूटी पे भी जाते हैं दोपहर को नहीं ले सकते तो आप दो टाइम ले लें, और या तो का अपनी बीमारी की अलामत के तरीके से ले लें, ज़्यादा है तो तीन टाइम, नहीं तो दो टाइम, बहुत ज़्यादा है दो टाइम ले लें। ऊपर से दूध लाजमी पिए पानी से लेकर, अगर दूध नहीं है यानी मैसर नहीं है आपके पास या गुंजाइश नहीं तो पानी के साथ ले लें, नीम गर्म पानी के साथ, याद रखें नीम गर्म पानी के साथ दूध भी पीना है, अल्लाह तबारक ताला सबको तफीक दे अपनी नेमतों की, हर नेमत खाने की, तो दूध है तो वो भी नीम गर्म, ठीक हो गया, हल्की सी पत्ती डाल लें उसे में तो उसको ले लें, ठीक, पत्ती नहीं है तो दालचीनी का टुकड़ा डाल लें, कब्ज़ से बचें। तो ये आज का हमारा जो नुस्खा है ये किस लिए, ये हर किस्म के गैंठियाँ, हर किस्म की जो है क्या नाम कहते हैं कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द जिसकी होती है उसके लिए तो बहुत ही सोने पे सुहागा है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इलाज है, कोई बच्चा है बच्ची है मर्द ख़वातीन जो भी है, कमर का मरीज है, कमर दर्द होती है उसकी, ठीक है, ये उसके लिए बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, ठीक है। तो देखते रहिए हमारा BH दवाखाना यूट्यूब चैनल, अगर आपने हमसे रब्ता करना तो हमारे चैनल के लिंक पे अपना नंबर दिया गया व्हाट्सएप का, तो कर सकते हैं, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।